हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम बैक टू द पार्ट 5 ऑफ न्यू ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो जैसे कि तुमको पता है, लास्ट पार्ट में उन्होंने लियो के बाल बनाए थे और लियो के हाथ बनाए थे। सो इस पार्ट में मैंने सोचा कि अभी इसमें और क्या बचा है, मेजरली बचा क्या है। शूज, यस शूज, सिर्फ शूज बचे। तो इस पार्ट में मैं उसको शूज दूंगा, दैट्स इट। एंड दैट से मेरा मतलब है कि मैंने हाथ में नेल्स नहीं बनाए थे लास्ट टाइम, तो वो नेल्स भी बनाने वाला हूँ। तो मैंने इसके जूते और इसके नेल्स बनाए कैसे, ये जानने के लिए तुम्हें ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। हरे कृष्णा बहनों भाइयों, वेलकम बैक टू द पार्ट 5 ऑफ न्यू ट्यूटोरियल सीरीज। और आज इस पार्ट में वी आर गोइंग टू फिनिश द क्या खत्म करें, शूज। चलो शूज खत्म कर देते। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने एंड किया था फिंगर से, राइट? यस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फिंगर्स पे वीडियो को एंड कर दिया था। चलो फिंगर से स्टार्ट करेंगे। मैं जाऊंगा पहले तो सबसे जो मैं रेगुलर करता हूँ, नेविगेशन या फिर ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन। एंड चलो फिंगर से स्टार्ट करेंगे वापस से हम लोग। और फिंगर में मुझे फिंगर नेल्स बनाने, बिकॉज इसमें फिंगर नेल्स तो होंगे ही ऑब्वियसली, देखो है ना फिंगर नेल्स। तो फिंगर नेल्स बनाऊँगा। ब्लेंडर चलना, वैसे ब्लेंडर चल जाए तो शिट, ब्लेंडर चलना चल, हाँ पता नहीं कभी कभार ब्लेंडर चलने नहीं लगता है, रुक जाता है, पता नहीं क्यों। आई ऑल्सो डोंट नो। नाउ लेट्स मेक द नेल्स। तो नेल्स हम कैसे बनाएंगे, सिंपल, ड्रॉ शार्प ब्रश एंड डिग दिस एरिया, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, दिस वन, ये वाला। एंड आई गेस मुझे थोड़ा सा और पॉलीगॉन चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज गो ओवर हियर, कंट्रोल वन, बिकॉज सब डिविजन लेवल लगा दूंगा एंड देन अप्लाई स्मूथ 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 पेज टू टी, ताकि मैं सारे निकाल दूँ। एच क्रीस किए थे ना उन्होंने, वो एच क्रीस सारे निकल जाएंगे इससे, शिफ्ट ई को माइनस करके, ठीक है। एंड यस, अब नेल्स बनाने की बारी है। ये एकदम वर्ल्ड का बेस्ट नेल तो है नहीं, बट अच्छा नेल है, डेफिनेटली अच्छा नेल, बट हाँ दुनिया का बेस्ट नेल नहीं है, बट हमारे केस में लियो के लिए काफी। नाउ आई विल पिंच दिस, ये वाले एरिया को पिंच करूँगा, ताकि वो जो शार्प कट जैसा आता है वो आएगा। प्रॉपरली बनाने का कभी भी आराम से धीरे से धीरज के साथ एकदम गहरी सांस लेके एकदम बनाने का, नहीं तो तुम्हारा स्कल्प अच्छा बनेगा डेफिनेटली, ओके। और हमने फर्स्ट फिंगर खत्म कर लिया है। बाय द वे, तुम लोग अगर मेरे पीछे बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम आ रहा है, मेटल काटने का आवाज़ आ रहा है, काम आ रहा है इन्वर्टर लगने का आवाज़ आ रहा है, तो थोड़ा बैर कर लेना क्योंकि आ रहा है, कुछ कर नहीं सकता मैं उसमें। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो चल रहा है, अभी उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, बट वीडियो रिकॉर्ड तो करना है, ताकि ख़त्म भी करना है ना इसको, कितना लंबा और चलाने वाला हूँ। ऑलरेडी ये बहुत लंबा चल गया रही नवंबर में आई गेस मैंने स्टार्ट किया था, वो भी लास्ट ईयर, एंड स्टिल ये ख़त्म नहीं हो पाया। द रीज़न बिंग,
बहुत सारे रीजंस हैं, मेरे को अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा रीजंस गिराने के लिए, बट मैं वो करने नहीं वाला क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हुई ना मेरे साथ, बहुत कुछ देख लिया मैंने इन दिस फ्यू मंथ्स एंड बस इसी वजह से ये डिले हुआ, बट अब ये डिले नहीं होगा होपफुली, कुछ कह नहीं सकता, अचानक से कुछ भी काम आ गया सो वापस से टेक अ ब्रेक ऐसा, बट मोस्टली मैं नहीं लूँगा इस बार, इस बार भी फोकस यूट्यूब पे का पूरा, वो एक साल तो देना ही तो एकदम पूरा वाला एकदम झगड़ा वाला ऐसा लाइक यस ओनली डेडिकेटेड टू यूट्यूब कंप्लीट ईयर, जो मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ कभी ये आ जाता है कभी वो आ जाता है कभी ये कभी वो कभी ये तो वो तो दूसरा फिर ये ख़त्म हो जाता है तो वो आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है ये आ जाता है, और जैसे कि फ्री है कोई ख़त्म करने में कोई इतना टाइम लग गया जबकि वो तो मेरा पोर्टफोलियो पीस था उस पर तो लाइक मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम किया, वो एक्चुअल स्पीड जो मैं करता हूँ जिस स्पीड में उतने स्पीड में काम किया मैंने उस पर, बट देन ऑल्सो टाइम लग गया क्योंकि डिस्ट्रैक्शन थे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे और अभी भी है, उसमें से कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शन अभी भी है एंड होपफुली मैं उन सबसे टैकल कर लूँगा जैसे ही मेरे यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और यूट्यूब से कमाना चालू हो जाएगा, तब क्या थोड़ा सा एक सुकून मिलेगा, यस नाउ आई एम अर्निंग एंड यूट्यूब मेरे को पे करेगा थोड़ा बहुत जब तक मैं अपना कोर्स नहीं बना लेता, और एक बार कोर्स बनाने के बाद तुम्हें कह रही है कुछ तो भाई पैसे छापे और क्या मजाक कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे बट हाँ ये इसके बाद एक और डायनो ट्यूटोरियल आएगा एंड दैट विल बी माय लास्ट ट्यूटोरियल ऑन माय यूट्यूब चैनल, नॉट लास्ट ट्यूटोरियल लास्ट ट्यूटोरियल सीरीज, क्योंकि उसके बाद सीरीज नहीं आएंगे मेरे चैनल पर, तो क्योंकि मैंने कुछ नया प्लान किया है, नाउ लेट्स सी, मेरा प्लान था सीरीज बनाने का बट एक्चुअली सीरीज का प्लान पूरी तरह मतलब ये जो सीरीज है सीरीज वाला सिस्टम या फिर बोल सकते हो क्या बोल सकते हो जो भी बोल रहे हैं सीरीज वाले जो टेक्निक है या फिर सीरीज वाले जो कैटेगरी है वो मेरे चैनल के लिए नहीं चला यार, ट्राई कर लिया मैंने, मतलब रीज़न दो है, एक पर्सनल रीज़न और एक यूट्यूब का रीज़न, क्योंकि कुछ उतना तगड़ा कुछ आया नहीं, मतलब जैसा मैं अगर नॉर्मल वीडियो डालता था बिना सीरीज़ के वैसे ही भेजते तो कुछ डिफरेंस आया नहीं, तो मैं बोला चलो कुछ नया ट्राई करते जिसमें पर्सनल इश्यू भी ना हो, क्योंकि पर्सनल इश्यू भी था इसमें बार बार यहाँ से वहाँ से काम आ जाता था एंड आई वाज लाइक ओह शिट टाइम नहीं दे पाऊँगा इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ऑब्वियसली स्कल्प्ट करते करते प्रोजेक्ट पर टाइम देना इट्स लिटिल बिट टीडियस काम, क्योंकि बहुत कुछ रहता है काम यार, क्लाइंट वर्क इस होता है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला क्योंकि कभी कभार क्लाइंट्स अच्छे आते कभी कभार नहीं मिलते, और जब नहीं मिलते तब भाई जो लगती है एंड मोस्टली होता क्या है कि क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको चाहिए क्या रहता है एंड दे आर लाइक अरे ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं अरे ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए अरे यार ये अच्छा नहीं लग रहा, और इसमें सब चेंज कराने के बाद इन लाइक अरे यार पुराना ज़्यादा अच्छा था हम पुराने वाले में जा सकते हैं, अगर तेरी तू जाना तो पुराने वाले में ऐसा वो है कुछ इंसिडेंट्स इसलिए गुस्सा बड़ा पड़ा है, अरे तो गुस्सा नहीं है एक्चुअली जाना, गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि पेन टैबलेट मेरा खराब हो गया है, पता नहीं क्यों इसका बटन्स पेन का बटन्स काम नहीं कर रहा ठीक से, बाकी टैबलेट बराबर काम कर रहा है बट पेन के जो बटन से वो काम नहीं कर रहे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया लगता है उसको रिगरसली यूज़ किया ना, जस्ट इमेजिन तुम अगर दिन में 12-12 घंटे स्कल्प कर रहे हो 12-12 घंटे तुम उस बटन को दबाए जा रहे हो पेन पे, सो थोड़ा हो गया बट चलेगा, इतना कुछ डील ब्रेकर नहीं है क्योंकि बिना बटन के भी तुम ब्लेंडर को चला सकते हो क्योंकि तुम कुछ भी शॉर्टकट सॉल्व कर सकते हो, बाय द वे मैं अभी तो एमुलेट 3 बटन यूज़ कर रहा हूँ जिससे मुझे वो मिडिल माउस बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है,
ऑल्ट लेफ्ट क्लिक से मैं रोटेट कर सकता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट से मैं पैन कर सकता हूँ, एंड ऑल्ट कंट्रोल से मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। एंड ये सब मैं बिना मिडल माउस को कर सकता हूँ, तो चलेगा। तुम्हारा अगर माउस में मिडल माउस बटन खराब हो जाता है तो ये कर सकते हो तुम। सो ब्लेंडर फ्लेक्सिबिलिटी है, बाकी जी ब्रश वगैरह में नहीं होता ये सब, मतलब उसमें यू हैव टू प्रेस ऑल्ट ऑल द टाइम। अगर तुम्हारा ऑल्ट बटन खराब हो गया नहीं हो सकता ठीक, बट ब्लेंडर में हो सकता। ब्लेंडर में एमुलेट 3 बटन ऑन कर दो और नॉर्मल मिडल माउस बटन से काम करना चालू करो। हाँ, थोड़ा सा अडाप्टेशन में टाइम जाएगा डेफिनेटली, मेरे को लाइक कुछ घंटों का अडाप्टेशन का टाइम गया, लाइक ऑलमोस्ट 3-4 घंटे मेरे को स्कल्प करने पड़ा लगातार, तब जाके ठीक हो गया। बट यस, तुम्हारे केस में कुछ ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, किसी के कभी कभी मेरे को नया सॉफ्टवेयर सीखने में ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, उनके नेविगेशन मतलब पूरा सॉफ्टवेयर नहीं, नेविगेशन सीखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभार कुछ कुछ सॉफ्टवेयर सीखने में जल्दी भी हो जाता है। वैसे अभी रिसेंटली मैं मार्मोसेट सीख रहा था रेंडरिंग वगैरह, तो नेविगेशन थोड़ा सा टफ था, बट जो लाइटिंग वगैरह था इट वॉज लाइक वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल। बस इतना ही है, कुछ नहीं। एंड फिंगर के नेल्स तैयार हो गए, फिंगर तैयार हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है बट कुछ करने से पहले पॉलीगॉन ही कम है, होना ही जाओ वो तो मैंडेटरी है, कुछ कर नहीं सकते। सो थोड़ा सा यहाँ से चपटा कर दूंगा, बिकॉज देख रहा हूँ हमारा पैंट कैसा सब पहाड़ की तरफ जा रहा है, ये कर्व आ रहा है, सो ये कर्व अपना मिसिंग है, ये बॉडी पतला होगा एंड इट विल गो आउट, तो कैरेक्टर का वो फील वैसा है, सो हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रख के करना होगा हमें कि कैरेक्टर का फील कैसा है, कर्व्स वगैरह कैसे, ये सब देखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। कैरेक्टर्स में हमेशा लिखने देना कि स्पेशली अगर स्टाइलाइज कार्टूनी कैरेक्टर है, सो ये सारे कर्व्स वगैरह हमेशा देखते रहना, बिकॉज ये तुम्हारे मॉडल्स को बनाते हुए है बिगाड़ते हुए। अगर तुमने बराबर से सारे कर्व्स ले लिए बस तुम्हारा मॉडल है ना कॉन्सेप्ट से ज़्यादा अच्छा लिखने लग जाता है, बट अगर तुमने उसको नहीं किया बराबर से, जो कर्व्स दिख रहे हैं कॉन्सेप्ट में वो कर्व्स के अलावा तुम दूसरे कर्व्स डाल रहे हो तो इट्स फाइन, बट जो कर्व्स है ऑलरेडी उस कर्व्स को अगर तुम बराबर से नहीं बना रहे हो देन बहुत मुश्किल है, शायद अच्छा दिखे शायद ना दिखे, इट डिपेंड्स ऑन योर लक, तुम्हारा लक कैसा है। मेरे केस में तो हमेशा गंदा ही दिखता है, तो मैं इसलिए वो कर्व्स वगैरह सब ध्यान में रखता हूँ, जैसे कि ये मैंने ऐसे पूरा स्ट्रेट है तो मैंने स्ट्रेट रख लिया, अब तुम देखोगे इस पैर भी से भी इट्स लाइक थोड़ा सा है, थोड़ा सा हल्का सा दिखता है, बट इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट, तो मैंने इसको यहाँ से ऑलमोस्ट स्ट्रेट रख लिया। एंड वंस अगेन अगर पीछे तुम्हें मशीन से स्टील काटने की या फिर मटेरियल काटने की आवाज़ आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, कंस्ट्रक्शन काम चलता रहेगा। ओ बाप रे, इतना बड़ा कैसे हो गया रेफरेंस। अब बाय द वे ये सारे मेरे रेफरेंसेस हैं, भर भर के रेफरेंसेस, नीचे का ये पार्ट मैं दिखा नहीं सकता, एंड यहाँ पे कुछ और नहीं हो शायद कॉपीराइटेड, बट ये नहीं दिखा सकता मैं, तो बस है कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो मैं नहीं दिखा सकता, बट मेरे को आई थिंक दूसरे एक फोल्डर में रखना चाहिए था वो, मैं दूसरे फाइल में रख लेना चाहिए था, फोल्डर क्या बोल रहा हूँ, बट एनी वेज कोई बात नहीं चलता है, वो से भी काम हो चुका है उसका। एंड अगर वो दिख भी गया तो शायद मैं मैनेज कर सकता हूँ, शायद नहीं भी कर सकता हूँ, राइट इजी है, बहुत तकलीफदायक है, बट एनीवेज कोई इतना इश्यू नहीं, हो भी गया तो क्या होगा, ऐसा जान थोड़ी ले लोगे मेरी,
एक्सपेक्टेशंस। अरे यार मुझे ब्रैकेट्स की अदर डालनी पड़ेगी अभी, बिकॉज एफ बहुत ज़्यादा जी के साथ क्या बोलते हैं पोलाइट फाइट फाइट करता है, एंड मैं जैसे ही जी दबाने जाता हूँ एफ दब जाता है। तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्या क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, बट दिस इज फाइन। लाइक यहाँ पे आके ब्रैकेट पीस दबाना इट्स फाइन। बार बार ऐप पे जा रहा है हाथ, थोड़ा आदत बनाना पड़ेगा। वो ऐसे होना चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ जो कर्व है ना ये वाला, ऐसा दिस वी शेप, वी शेप यहाँ पे मुझे लाना है, एंड आई एम फोकसिंग ऑन दैट। पीछे से मेरे पास रेफरेंस है उसका, ओके पीछे से ये इट इज नॉर्मल, पीछे से इट इज नॉर्मल। अरे ये क्या है, ये ऐसा नहीं है पीछे से, मैंने बनाया भी नहीं पीछे से, ठीक गलत ही है पीछे का, पीछे का ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट में, ऐसा है पीछे से दिस इज बॉक्सी टाइप। मैं सिर्फ देख रहा हूँ इसको कैसे बना सकते हैं, दैट विल लुक नाइस इन 3D ऑल्सो, बिकॉज 2D में तो सिंपली बस एक लाइन खींचना ऊपर एक लाइन खींचना एंड हो जाता है, बट 3D में फॉर्म फ्लिपने पड़ते हैं हर साइड से, तो वही मैं देख रहा हूँ कैसे कर सकता हूँ। आई थिंक दिस विल बी फाइन फॉर नाउ। साइड से कैसे फ्लैट, अरे भाई मेरे कैसे है, दिस इज फ्लैट एंड वी नीड अ क्रीज ओवर हियर। आ समझ गया, नाइस नाइस कॉन्सेप्ट। सो दिस शुड बी फ्लैट सपाट एंड इट शुड बी लाइक दिस, हल्का सा क्रीज। समझ गया कैसा चाहिए था उनको, उनको मतलब कैसा है कॉन्सेप्ट में। इसका पूरा फीट देख रहे हो तुम, सपाट एकदम नीचे तक सपाट, कुछ बम्प नहीं कुछ नहीं, सीधा स्ट्रेट है। ऐसे भी होते हैं स्टाइल आज पता चल गया। कैरेक्टर बुरा नहीं है, स्टार्टिंग में मेरे को पता है स्टार्टिंग वाले पार्ट से मैंने गाली वगैरह दिया है कि डिजाइन अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है नहीं, बट तुमने उतना नहीं जानता था ना, इतना स्टार्टिंग कैरेक्टर्स के कारण मैंने प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं किया था, मैं सीधा आया बना चालू कर दिया एंड देन आई रियलाइज आई नीड टू नो सम ऑफ द फॉर्म्स, कुछ कुछ फॉर्म्स मेरे को जानने पड़ेंगे
इन ऑर्डर टू मेक दिस कैरेक्टर। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आ गया वापस, एंड इट वॉज अ पर्सनल रीजन, वन ऑफ द पर्सनल रीजन कि उसको इतना टाइम क्यों लग रहा। कभी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि आप जब कभी काम करते हो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे, तब उनके आर्ट स्टाइल के हिसाब से आपका हाथ बैठ जाता है। एंड जो आप कोर्स बना रहे हो या फिर जो ऐसा वीडियो में बना रहा हूँ मैं, दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। इतना से फ्रेया पे वर्क कर रहा हूँ, तो फ्रेया का आर्ट स्टाइल एंड इसका आर्ट स्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज डिज्नी और पिक्सार्स आर्ट स्टाइल, से इनका भी है सेम, क्या बोलते हैं इनका नाम क्या नाम, जो एक कंपनी थी, दे ऑल्सो मेक लाइक डिज्नी एंड पिक्सार एक्टिविजन, भूल गया छोड़ो, भूल गया तो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा तो बम्प आएगा यार, थोड़ा सा बम देंगे उसको, ठीक है। एंड नाउ जो हम लोग करने वाले थे इस एपिसोड में फीस, सो हम लोगों ने 20 मिनट्स के अराउंड आसपास ले लिया हम लोगों ने फीस। होता है एनीवेज, मेरे को इसको वापस से एक सिलेंडर लेके बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट एंड कैरेक्टर के हिसाब से पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, बम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। सो चलेगा कोई बात नहीं। शूज बनाने के लिए वेरी टेक यूज किया, आवर फेवरेट यूज किया, पुट इट ओवर हियर। अरे यार मेरे को अब जाके याद आ रहा है स्क्रीन डस्ट की, हमेशा भूल जाता हूँ, 20 मिनट के बाद जाके मुझे याद आता है कि मैंने स्क्रीन डस्ट की ऑन नहीं की। यार कोई आके मारो मेरे को, डर के कोई मारो और बोलो साले स्क्रीन डस्ट की चालू कर। अच्छा भाई तुम लोग को पता है क्या, तुम ये शूज़ को है ना ऐसा मॉडल भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि स्कल्प्ट करना है, बट मुझे इसको स्कल्प्ट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा चैलेंज है वो मेरे लिए, तो मैं इसको स्कल्प्ट करने वाला हूँ। अच्छा भाई सिंपल से शेप है, यू कैन ईजिली डू द मॉडलिंग, पॉली मॉडलिंग, ठीक है, ईजिली तुम लोग उसको पॉली मॉडल कर सकते हो। एंड इफ यू विश यू कैन ऑल्सो डू इट, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कल्प्ट करना है, जिससे तुम्हारा शेप बन रहा है, जिससे तुम्हारा जो भी शेप है या जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी बनाना है तुमको, अगर वो बन रहा है गो फॉर इट। पॉली मॉडलिंग से बन रहा है मॉडलिंग करके बनाओ, अगर स्कल्प्टिंग करने से बन रहा है ईजिली स्कल्प्टिंग करके बनाओ, इसे भी ईजिली बनता है। और अगर तुमको मेरे से चैलेंज चाहिए ऐसा, तो बस बनाते रहो, जिससे तुमको इजी नहीं पड़ रहा है उससे बनाओ। एंड तुम लोग देख सकते हो शूज़ में, देख लो स्टार्टिंग में इट इज काइंड ऑफ अ बम, ठीक है, नीचे ये फुल फ्लैट है। एंड बाय द वे फ्लैट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो फ्लैट है ना ये फ्लैट लाइन पूरा, आई विल गो ओवर हियर, ये है लाइन प्रोजेक्ट, मैं लाइन प्रोजेक्ट लूँगा एंड मैं ड्रैग करूँगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर सकते हो इसको, कंट्रोल यस कंट्रोल दबा के इसको तुम लोग स्नैप कर सकते हो एट आईएस 15 डिग्री, देख के तो 15 डिग्री लग रहा है, बट मैं स्नैप करूँगा इसको इन एक्स एक्सिस एंड मैं ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। अगर तुम लोग उल्टा करोगे फॉर एग्जांपल ऐसा, तो ये उल्टा काटेगा, ठीक है, सो लेफ्ट साइड से ड्रैग करो, नहीं यहाँ से लेफ्ट, नहीं यहाँ से लेफ्ट साइड से
एसेट पे ड्रैग करो एंड देन होल्ड कंट्रोल एंड देन तुम लोग उसको स्पेस बार, यस कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा के तुम मतलब कंट्रोल दबाया तो स्पेस बार दबाओ एंड स्पेस बार दबा के तुम उसको मूव कर सकते हो ऐसा, तो पोजिशन पर ला के छोड़ दो एंड ये तुम्हारे सारे पॉलीगॉन्स को फ्लैट कर देगा नीचे से, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। बट मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पहले ये सारे शिफ्ट्स कर लेने हैं यहाँ से ये नीचे में एंड ये जो बम्प है बम्प दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वरना शूज़ अच्छा नहीं दिखता है तो इसलिए शूज़ पे ये बम्प होना ज़रूरी है। थोड़ा सा रिमेश करूँगा इसको, नीचे का अभी ध्यान मत दो, नीचे को हम लोग वैसे जैसे मैंने दिखाया अभी फ्लैट करने वाले, ऐसे हम लोग फ्लैट करने वाले बाद में लास्ट में। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द शेप, ठीक है। मैं बस एक बार चेक कर लिया कि शूज़ का जो शेप है जो डायमेंशन है जो साइज़ है वो कैरेक्टर के हिसाब से बराबर आ रहा है कि And that's it. We are done. Basic shoe shape हो चुका है। Now I'll take a draw brush और फिर उसको नीचे पूरा डिप कर। इस draw sharp brush से जल्दी होगा। It's fine. बाद में ग्रैब ब्रश हम लोग थोड़ा सा ग्रैब कर सकते हैं एंड वैसे पॉलीगॉन्स बहुत कम है, मैं लिटरली एक 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 वर्टेक्स को हिला रहा हूँ, तो टेंशन नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं जनाब। सिटीफाई है तुम्हारे साथ करने की क्या बात, थोको ताली, यस थोको थोक दो ताली थोक, हम लोग को गाली दे उसको ये सारा लिखना है सब टाइटल बनाने उसको, तो मैं इतना बड़बड़ कर रहा हूँ अभी इसका ये सब भी उसका सब टाइटल बनाया जनी बेटा तैयार हो जाओ सब टाइटल बनाने के लिए। अगेन लेफ्ट साइड से राइट साइड पे देन कंट्रोल ताकि स्नैप हो जाए एंड स्पेस बार से बराबर जगह पे लाके छोड़ दो एंड दैट्स इट लुकिंग प्रिटी मच गुड। ओके एक और चीज़ कभी भी ना जब शूज़ बनाएंगे ना ये वाला साइड जो इनर वाला साइड होता है ना इसको ऐसा कर्व देना चाहिए, शुड बी कर्व मतलब थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए एंड दिस पार्ट हमेशा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम लोग कभी स्ट्रेट बनाते हो ना नहीं, इसको थोड़ा सा कर्व बनाओ बीन शेप जैसा, ठीक है। और लेट्स सी और क्या है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ मैंने नोटिस किया अभी कि शूज़ बहुत ज़्यादा नीचे ये शूज़ पर होना चाहिए, सब पाव बहुत छोटा है ना,
पाओ वो छोटा है इसका, एंड देन अगेन इसको भी थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। और एक चीज मैंने नोटिस किया कि इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ना बड़ा, हम थोड़ा सा आगे और राइट और राइट इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ से इट शुड बी दिस लाइन के मिडल तक का, इस लाइन के मिडल तक का ना ऊपर तो होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ होना चाहिए। यस, नाउ इट इज गुड, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा बट गुड है, अच्छा है, बेस्ट नहीं है बट अच्छा है। एंड इसको मुझे ऊपर लेके जाना है क्योंकि ये नीचे हो गया था, मैंने इस जूते को ऊपर लिया तो उसके लिए इसको भी ऊपर लेना पड़ेगा। एंड देन अंदर भरेंगे पूरा एंड इसको मेरे कर लेते हैं समेटाइज एंड ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स मेक दिस दिस शेप, जो ये शेप है ये बॉल जैसा, थोड़ा सा बॉल जैसा, शिफ्ट ए स्फीयर, एडिट मोड जी जेड स्केल एंड इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, थोड़ा सा स्केल अप एंड इसको मिडल में रखना RX 90, क्योंकि यार तुम्हें पता चल जाएगा अभी ताकि मैं ये वर्टेक्स को पकड़ सकूँ। देन गो टू ऑर्थोग्राफ प्रोपोर्शनल एडिटिंग एंड देन कॉन्स्टेंट, नाउ SX SY स्केल हो रहा है देखा, 0, देन थोड़ा सा लूंगा और SY 0 GY और हमें वो शेप मिल गया, हो रहा ऐसे फटाक से मिल गया। यही करना था, सिंपल सा ये शेप बना दिया जूते का जो भी है। आई गेस फुट कैट सोल, सोल सोल नहीं बोलते, सोल तो नीचे वाला होता है, आई गेस फुट गार्ड, पता नहीं क्या बोलते, मेरे को भी नहीं पता, वो भी मड गार्ड बोल सकते हो क्योंकि मेरे ख्याल से ये देख के जैसा लग रहा है मड से बजाता है और मेरे को तो जूतों से बजाता है। लाइक ट्रेन में जितने जूते पड़ते हैं ना यही प्रोटेक्ट करता है मेरे अंदर के पाँव को, जूते पे लगता है वो तो लगेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट पाव गंदा नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस, सो बोल सकते हो शू प्रोटेक्टर, बट मड गार्ड बोल सकते हो, जैसे रहता है ना मड गार्ड अपने गंदी का, वैसे ये है अपने जूतों का मड गार्ड। ओके, तो काफी हद तक ठीक हो चुका है, फिर भी शेप इसका थोड़ा सा टेढ़ा हो, इसको पकड़ेंगे एंड रोटेट पाव के अंदर थोड़ा सा घुसाओ, यस नॉट इज परफेक्ट एंड सिमेट्राइज ठीक है ना। उसको अरे शिफ्ट सिमेट्रिक, उसको हम क्या करेंगे, वी विल डू सिमेट्रिक रिमेश, थोड़ा सा रिमेश बढ़ाएंगे एंड विल डू द रिमेश
एक चीज़ और बता दो, तुम्हें पता है ये जो पत्रे का आवाज़ आ रहा है तुम्हारे मेटल काटने का जो भी है, ये काम चल रहा है और इसी की वजह से मेरा नेट बंद है एंड इसी वजह से मैं 2 दिन से लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा हूँ, अटका हुआ है। क्या कर सकता हूँ, कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ काम आके बैठा है बट कुछ नहीं, नेट ही नहीं है, करूँ कैसे मैं सो यही बस चलते हैं, लाइफ के पंगे हो जाते हैं दंगे हो बट लाइफ सेफ, हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा हैंडल करना पड़ता है। सो इसीलिए मुझे लाइक बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया ना, हाँ ले बच जा, अलार्म बच गया मेरा शांत रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अलार्म बच जाता है, ठीक है, कहीं से अलार्म बच जाता है, कहीं से पतरा काटने लग जाते हैं, बहुत कुछ होता है, इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना, वो लगता है वीडियो बनाना ऐसी है घंटा, उसके ऊपर समझाना भी नहीं, बोल नहीं, बहुत मुश्किल है, और ऊपर से आर्ट को भी देखना ही पड़ता है। तो ये जो शेप देख रहे हो, ये अभी हमारा ये ऐसा स्ट्रेट लाइन जाया है बट एक्चुअल में ये ऐसा है, शुड बी लाइक दिस कर्व, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर उठा देंगे एंड हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए एंड बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया बन गया है जूते अपने। एंड लास्ट में एक चीज़ करना है मुझे एंड देन विल फिनिश दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है, चलो एक और रिमिश मार देंगे, हाई सब डिविजन, हाई वॉक्सल साइज वाला, सॉरी लोअर वॉक्सल साइज वाला बट हाई डेंसिटी वाला, बिकॉज लोअर वॉक्सल साइज मीन्स हाई पॉली गॉन काउंट, जो बोलना बोलो, ठीक है, एंड दैट इज इट। ओके नाउ वी विल टेक अ प्लेन, ये रहा अपना प्लेन, स्केल इट GZ एंड मेरे को इसको प्लेस करना है यहाँ पे, GZ and now what we are going to do is add a shrink wrap modifier and इसमें मैं select करूँगा इसको and instead of nearest project nearest surface point मैं use करूँगा project and जैसे ही तुम लोग सारे इसको पकड़ोगे and then जैसे इसको अंदर push करोगे it will wrap around the mesh, ठीक है, एंड नेगेटिव पॉजिटिव को जॉइन कर मतलब टर्न ऑन कर लेना ताकि इससे तुम अगर ऊपर रहो तो फिर भी लाइक प्रोजेक्ट कर देगा, एंड प्रोजेक्शन इज बेटर देन नियरेस्ट पॉइंट बिकॉज इट प्रोजेक्ट्स एंड वो स्नैप करता है, सो प्रोजेक्ट और स्नैपिंग में फ़र्क होता है, तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखता है कंपेयर टू स्नैप एंड इसीलिए मैं प्रोजेक्ट यूज़ करता हूँ, बाकी तुम्हें को स्नैप यूज़ करना है तो यू कैन यूज स्नैप, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो यूज़ करना है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि तुमको प्रोजेक्ट यूज़ करना है, बट मैं प्रोजेक्ट यूज़ करता हूँ, रिजल्ट अच्छा आते हैं, बाकी तो तुम्हारी इच्छा जैसी जिसकी इच्छा, तो तुम्हारा मॉडल है आफ्टर ऑल, हैव फन, बिकॉज फन इज द मेन थिंग, मज़ा आना चाहिए और तुम्हें बजाने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, इसलिए मज़ा आना ही चाहिए। एंड मैंने इतना सब कुछ बोलते बोलते क्या कर लिया, मैं समझाता हूँ, निकाल क्या किया समझाता हूँ, सबसे पहले मेरा ये मैच था, ठीक है, मैंने सबसे पहले ऐड किया मिरर मॉडिफायर, सिंपल इधर का इधर मिरर, देन आई हैव एडेड सब डिवीजन मॉडिफायर, सब डिवीजन एक्स्ट्रा ज्योमेट्री डालने के लिए, देन आई हैव एडेड श्रिंक रैप जो सीधा चिपका देगा ये प्लेन को इस शूज के ऊपर, एंड सिंस सब डिविजन श्रिंक रैप से ऊपर है वो पहले सब डिवाइड करेगा एंड फिर उसको श्रिंक करेगा, मतलब श्रिंक रैप करेगा, अगर तुम श्रिंक रैप को ऊपर रख दोगे तो श्रिंक रैप करेगा एंड फिर सब डिवाइड करेगा जो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा,
डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट दैट डिपेंड ऑन द जो चाहिए तुमको रिक्वायरमेंट, बट जो डिजायर है हमें वो मिलेगा हमें पहले सब डिविजन रख के एंड देन सिंगल रैपर एंड एट द एंड थिकनेस के लिए मैंने ऐड कर दिया सॉलिडिफाई मॉडिफाई एंड इसके लास्ट में आई विल ऐड वन मोर सब डिविजन जिससे हमें ये एकदम मस्त स्मूथ सा कर्व मिल गया एंड एच डेटा को थोड़ा बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इसलिए देखो बॉक्सेस जैसे है ना, सो उसके लिए क्या करेंगे हम एंड में ऐसा एक सपोर्टिंग लुक डाल देंगे। ठीक है, विल ऐड सपोर्टिंग लुक्स। यहाँ पर भी सपोर्टिंग लुक, यहाँ पर भी सपोर्टिंग लुक एंड यहाँ पर भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्टिंग एंड दैट्स इट। Where you have your those two bandages, या फिर shoe laces, shoe wraps बोल सकते हो। Anyways, जो भी है अच्छा है। Now let's see ये shit. Okay. So it's just like normal like plain जैसा चिपका हुआ है। ओके फाइन, हमें इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको चिपकाना होगा दूसरे से नज़दीक में लाना होगा हमें। नाउ इट इज फाइन, ठीक है, थोड़ा सा क्लोज होना चाहिए था एंड नाउ इट इज क्लोज एंड साइड व्यू से जैसा मुझे ये दिख रहा ना ये शेप हमारा वैसा आया है, बट सामने से दिस शेप इज रॉन्ग, वो सामने से ये कुछ ऐसे होना चाहिए कर्व। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से थिकनेस ऐड करेंगे, यहाँ से भी थिकनेस ऐड करेंगे नीचे वाले पार्ट से वी विल ऐड थिकनेस एंड अगर तुम्हें यहाँ पे स्कल्प करने को इश्यू हो रहा है तो क्या करेंगे, बी दबाओ, जस्ट सिलेक्ट दिस वन शूज, सॉरी शिफ्ट बी, यस शिफ्ट बी दबाओ एंड देन सिलेक्ट दिस वन शू है, क्या तेरे ऑल्ट भी था क्या, यस ऑल्ट भी मैं बोल जाता हूँ कई बार, ऑल्ट भी से यू कैन आइसोलेट दिस ज्योमेट्री, ये कैमरा भी उसे आइसोलेट कर देगा एंड नाउ यू कैन इजीली गो टू स्कल्प मोड ऐड मतलब ज्योमेट्री ओवर हियर स्कल्प कर सकते हो इजीली, इजी पड़ेगा यहाँ से स्कल्प करना, अगर वो शूज रहता था तो तुम्हें दिक्कतें होती थी। ठीक है, बट यूजिंग ऑल्ट भी you can isolate the view and yes you can do it, okay so I guess jo side view hai na usme shoes galat hai because front view and 3/4 view mein शू का शेप थोड़ा सा अलग है साइड व्यू के कंपैरिजन में, साइड व्यू में शू का इश्यू है तो मैं बोलूँगा फ्रंट व्यू एंड 3/4 वाले व्यू को, ये फ्रंट व्यू एंड ये 3/4 वाला व्यू इसको ही देख के शूज बनाओ, इट विल बी मच बेटर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिप कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, ऐसा लगना चाहिए ना कि शूज के अंदर पाव गया है। ठीक है एंड एनीवेज हम लोग इसको बाद में ठीक करने वाले एंड यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन की वजह से पूरा अंधेरा के मतलब एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स नियर होते तो वो एक दूसरे पर शेडो क्रिएट करता है, तो सिंस लेग इस शूज से बहुत नज़दीक में है
तो वो दोनों एक दूसरे पर शेडो क्रिएट करेंगे एंड इट विल बी ब्लैक और वहाँ पे कलर दिखेगा नहीं तुमको। तो इसके लिए वहाँ पे तुमको अभी जैसा दिख रहा है ना कि अरे शूज पाव के अंदर जा रहा है, वैसा तुमको नहीं दिखने वाला बाद में, मतलब रेंडर के टाइम पर। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, मजे में। एंड अगेन ऑल्ट भी दबा के तुम लोग उसको हटा सकते हो जैसे तुमने आइसोलेट किया, तो वैसे सेम बटन ऑल्ट सेम शॉर्टकट। एंड शूज अपना तैयार हो गया एंड एट द एंड लास्ट में जो मैंने स्टार्टिंग में किया था नीचे से पूरा फ्लैट, तो उसके लिए मैं वापस से लूँगा ये लाइन लाइन टू क्या बोलते हैं उसको लाइन प्रोजेक्ट। ब्रशेस यहाँ पे दिखाते थे ना, ब्रशेस कहाँ गए? अच्छा किसी किसी में इसका नाम नहीं दिखाते, लिमिट टू सेगमेंट वगैरह। ओके कोई बात नहीं चलेगा अपने। सो लेफ्ट टू राइट कंट्रोल स्नैप स्पेस से थोड़ा सा ऊपर नीचे एंड छोड़ दो, और इसी के साथ अपना शूज कंप्लीट। यस पैट योर बैक्स, यू हैव कंप्लीटेड द शूज। बट एक बार रुक जाओ, पैट करने से पहले रुको रुको रुको, ये एक लाइन बना दो पैट योर बैक्स। That was it for this part. हमने इस पार्ट में हाथ के नेल्स बनाए एंड शूज बनाए एंड थोड़ा सा बम को ठीक किया, नाउ इट्स लुकिंग गुड एंड ओवरऑल कैरेक्टर अपना ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव एंड बाय।